साल की उम्र में, 43 में 23 की खूबसूरती पाने वाली इस सेलिब्रिटी या एक्ट्रेस कहिए, इनको क्या आप पहचान पा रहे हैं? तस्वीर लगी है, देख लीजिए ज़रा, इन्हें पहचान के बताइए। चलिए हम बता देते हैं, हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। कुछ इसी तरह की है शख्सियत, बंगाली इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। और इस पुरानी फ़ोटो को ज़रा देखिए, इनमें आपको दो बच्चियां नज़र भी आएंगी। इनमें से एक बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं और बंगाली इंडस्ट्री में खूब सफलता प्राप्त की है। अगर आप अभी भी गेस नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि इनका नाम क्या है। ये कोई और नहीं है, ये हैं रीमा सेन। राइमा का जन्म 7 नवंबर 1979 में एक शाही परिवार में हुआ था। उनकी दादी इला देवी बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ की तीसरी बेटी थी और उनकी परदादी इंदिरा राजे कुछ बिहार की राजकुमारी भी थी। शाही परिवार की लड़की है। इतना ही नहीं, राइमा सेन की माँ मशहूर एक्ट्रेस मुनमुन सेन और नानी सुचित्रा सेन भी हैं। सुचित्रा सेन सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और वही मुनमुन सेन भी हैं जो अपने ज़माने की फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी और बहुत टैलेंटेड हैं। अब तो जान ही गए हैं कि ये जो है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बढ़िया काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रीमा सेन ने 99 में अपनी फिल्म का सफ़र शुरू किया था गॉडफादर जैसी फिल्म में, और उसमें उन्होंने जो किरदार किया था काफ़ी फेमस हुआ था, लेकिन फिल्म नहीं चली, कुछ ख़ास कमाल बॉक्स ऑफिस में नहीं कर पाई। इसके अलावा उन्होंने परिणीता, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, दमन फिल्म और एकलव्य, फंटूज जैसी और 10 जैसी फिल्मों में भी काम किया था। संजय दत्त के साथ काम किया, संजय दत्त के साथ वो अभी वेब सीरीज़ में काफ़ी नज़र आ रही हैं और NRI वाइब्स करके एक वेब सीरीज़ उसमें भी नज़र आई हैं, और जैसे कि मेहमान, लव बर्ड्स, इन सब वेब सीरीज़ में, प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है और एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। और संजय दत्त और सैफ अली खान संग काम किया, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, लेकिन पहचान जैसी भी बनी है लेकिन ख़ास भी बनी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।